प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में अयोध्या के हमारे साथी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। प्रेस की जहाँ शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, मैं अयोध्या से पूर्व में रहे विधायक मंत्री पवन पांडे जी से कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की, उनके साथी सहयोगियों ने मदद की उसमें, वो जानकारी प्रेस को दे दें और फिर कई और सवाल हैं जिन पर अगर प्रेस बात करना चाहेगी तो हम और आप लोग फिर बात कर लेंगे। जहाँ ये सरकार लूट कर रही है वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ ढूंढ करके कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं, मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हमारे अयोध्या के सभी नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं और अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रेस नहीं कर रहे हैं, इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सक्रिय बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। जमीन होती थी उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन लें, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनका छीन लें। लोग सही मुआवजा नहीं पाए। राम पथ के निर्माण में आप बताए जितने लोगों के मकान और दुकान गए, चार चार पांच पांच मंजिला मकान टूटा, करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या मिला था? 1 लाख 1.5 लाख 75,000 80,000 तीन तीन पीढ़ियों का मकान चला गया। एयरपोर्ट बनाने में आपने जमीन ले ली करोड़ों रुपए की, मुआवजा दिया 15,000 20,000 1 लाख 1.5 लाख 6 लाख ये मुआवजा दिया। और योगी जी सीना खुला कर करके हमने मुआवजा दिया, पूरे परिवार को आपने भुखमरी के कगार पर ला दिया और बताते हमने मुआवजा दिया। ये 10 परिवार हैं, इनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया, पूरी जमीन आपने ले ली और 1 रुपया मुआवजा इन परिवारों को आज तक नहीं मिला है। जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी,
ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं उनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं, और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी, और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे।